Hello everyone, welcome back to my channel. I am Priya and you're watching Priya's Nest. बहुत सारे व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि क्लॉथ डायपर को कैसे वॉश करते हैं, और उनके बहुत सारे डाउट्स थे कि जैसे बच्चे ने अगर पॉटी कर दी तो उसे फिर कैसे साफ़ करें। इवन तो मैंने अपने सारे व्यूअर्स को रिप्लाई तो किया था, बट अगेन आई थॉट कि मैं एक वीडियो भी बना दूँ ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक ये वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बकेट में ले लिया है वॉर्म वाटर, और उसमें मैं जितने डाइपर्स हैं उतने चम्मच यहाँ पे मैं डिटर्जेंट ऐड करूँगी, और मैं यहाँ पे डिटर्जेंट ही यूज़ कर रही हूँ। और आप भी डिटर्जेंट ही यूज़ करें, डिटर्जेंट अच्छा होता है क्लॉथ डाइपर के लिए। और एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हम इसमें सारे जितने भी मेरे डाइपर्स हैं वो सब मैं इसमें ऐड करूँगी। तो डाइपर्स का जो आउटर शेल है वो आपको अलग से डालना है, और जो इसके इंसर्ट्स हैं वो अलग से इसमें सोक करना है, और इसको हाफ एन आवर के लिए मैं सोक करके छोड़ दूँगी। तो हाफ एन आवर हो गए हैं, अब मैं इसको वॉश करना स्टार्ट करूँगी। तो आप जैसा देख सकते हो कि सबसे पहले मैं इंसर्ट इसका वॉश कर रही हूँ, और उसको किस तरह से धोना है। तो जैसा आप देख सकते हो कि जो इंसर्ट का लंबाई है मैं उसके साइड से ही मैं उसको वॉश कर रही हूँ, उसके चौड़ाई की तरफ से नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है जो कॉटन इसके अंदर है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहती है, और इसमें ऑर्गेनिक कॉटन यूज़ होता है इंसर्ट में, तो वो जो उसकी लाइनिंग होती है वो ब्रेक नहीं होती, और ये जो इंसर्ट होता है ये काफ़ी लंबा चलता है। इसको धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, क्योंकि ये जो माइक्रोफाइबर मटेरियल है ये बहुत ईजली, जो भी इसके ऊपर दाग वगैरह रहते हैं वो सब बहुत ईजली चला जाता है, और ज़्यादा उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हो जैसे कि एक इंसर्ट हो गया है, हल्के हाथों से ही आप बस उससे पानी जो है वो आप निचोड़ सकते हैं। तो अब जो उसका बूस्टर है वो मैं वॉश कर रही हूँ, वो भी बिल्कुल उसी तरह से वॉश करना है, जो लंबाई है उसके लंबाई साइड से ही हमें वॉश करना है। तो अब मैं इसका आउटर शेल जो है कवर वो मैं धो रही हूँ। तो रबड़ वाला पार्ट आप देख सकते हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं आपको खींचना है, अदरवाइज जो ये रबड़ है वो ख़राब हो सकता है। बाकी सारे पार्ट्स को वैसे ही बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको धोना है। अगेन ये माइक्रोफाइबर क्वालिटी है, सुपर बॉटम का क्लॉथ डायपर है ये, तो बहुत ही ईजिली जो भी दाग धब्बे रहते हैं वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, और इसको भी हल्के हाथों से आपको इसका जो भी पानी है वो निचोड़ लेना है। मैं आपको एक और अपना डे डायपर जो है मेरा बेबी हक का वो मैं वॉश करके दिखाती हूँ। तो इसका इंसर्ट जो है ये थोड़ा डिफरेंट है सुपर बॉटम के इंसर्ट से, तो इसको भी देख रहे हैं आप, सेम वही तरीके से मैं इसको वॉश कर रही हूँ। तो अब मैं इसका जो कवर है वो साफ करूँगी। इस डायपर पे मेरी बेबी ने पोटी भी की है, तो आप देख सकते हो कि इस पर थोड़ा थोड़ा दाग धब्बे होंगे। तो एक मेरे व्यूअर्स ने पूछा था कि अगर बच्चे ने पोटी कर दी तो कैसे उसको साफ़ किया जाए। तो आप उसका जो पोटी है वो हटा के एंड देन आप उसको ऐसे ही डिटर्जेंट में सोक करके रख सकते हैं, और हाफ एन आवर के बाद आप ऐसे ही बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। इसका जो दाग धब्बा है वो रहता नहीं है, वो बहुत जल्दी निकल जाता है। आप हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा रगड़े निकल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे येलो स्टेन। तो जो भी इसके दाग धब्बे थे वो सब निकल गए, आप देख सकते हो ये कितना साफ हो गया है, बहुत ही ज़्यादा वाइट है और बिल्कुल येलोइश नहीं रहता है ये। तो ये वॉश हो गया है, अब हम इसे पानी में इसको डुबो के और इसका जितना भी डिटर्जेंट है वो सब इसको अच्छे से हमें निकालना होगा। अगेन ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं इसको मचोड़ना है, ना ही ज़्यादा इसको घिसना है, बहुत ही हल्के हाथों से आपको दो या तीन बार अच्छे से इसका जो डिटर्जेंट है वो निकाल लें, और जो दूसरे साइड आप एक और बकेट में पानी ले सकते हैं और उसमें फिर आप डालते जाएं। तो इसको मैं टोटल दो बार वॉश करती हूँ, दो बार पानी में डुबोकर इसको वॉश कर सकती हूँ। आप दो बार तीन बार मैक्सिमम आप इसे अच्छे से साफ कर सकते हैं, ताकि जो भी डिटर्जेंट है इसके अंदर इंसर्ट्स या जो भी इसके कवर पे, तो वो सब अच्छे से निकल जाए।
मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप हैंड वॉश ही करें, क्योंकि हैंड वॉश करने से जो इसकी लाइफ होती है ना क्लॉथ डाइपर की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कंपैरेटिवली अगर आप इसे मशीन वॉश करते हो तो, क्योंकि मशीन वॉश में ये जैसे तैसे साफ होता है एंड देन स्पिन होने के बाद जो इसका कॉटन है वो भी कहीं ना कहीं बीच से ब्रेक हो जाता है, और जिसके वजह से जो इसका परफॉर्मेंस होता है वो भी घट जाता है। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप हाथ से थोड़ा सफाई कर लें। बहुत सारे लोगों ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि इसको सूखने में कितना टाइम लगता है। तो इसको सूखने में मुझे तो एटलीस्ट मोर देन 24 आवर्स टाइम लग रहा है, बट बहुत सारे लोगों ने ये भी सजेस्ट किया था कि आप मशीन वॉश करके और फिर ड्राई कर लें, क्योंकि उसमें 70% जो है वो ड्राई हो जाता है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो 70% ड्राई होने के बाद और कितना टाइम लगता है इसको सूखने में। तो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट्स, ताकि दूसरे लोग जो हैं उनको भी पता चल सके। ये जितने भी डायपर्स हैं ये सबके रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, और उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैंने इसको 2 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके सारे डिटर्जेंट्स जो हैं वो निकल चुके हैं, और साफ़ करने के बाद आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा वाइट है। और इसको मुझे यूज़ किए हुए मोर देन 6 to 7 months हो चुके हैं, और इसकी जो क्वालिटी है वो अभी भी सेम है। तो अब मैं इसको सुखाऊंगी। तो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि अगर आप इंडोर इसको सुखाएं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक कॉटन का कोई भी चादर आप पहले डाल लें नीचे, और उसके ऊपर आप इस डायपर को जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही डाल दें, और जो इसके इंसर्ट हैं वो भी वैसे ही वहाँ पर रख दें, और आप फ़ैन ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको इंडोर सुखा सकते हैं। आउटडोर आप इसको धूप में सुखा सकते हैं, वो तो काफ़ी अच्छा होगा इस क्लॉथ डाइपर के लिए। अगर आपके घर में अगर धूप अवेलेबल है तो आप धूप में ही इसको सुखाएं, और किसी भी हैंगर में लटका के आप सुखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं भी इसको हैंगर में ही लटका के सुखा रही हूँ। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।